अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया लेकिन नए अंग्रेज देकर गए, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, कह दिया कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ है, फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहां कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश बढ़ गया, राम मंदिर बन गए, अब बिहार बनाना है और मैया का मंदिर आपके सीतामढ़ी में बनाना है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है और आदरणीय चौबे जी तो जनसंघ काल से लगातार कमीशन की और दोनों आदमी काम कर रहे हैं, लंबे समय से इन लोगों ने जेपी के नेतृत्व में भी बिहार को आगे बढ़ाया और जेपी के नेतृत्व में संजय जेपी जी के द्वारा ये लोकतंत्र की पहली स्थापना। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया लेकिन नए अंग्रेज देकर गए, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। और एकदम स्पष्ट रहिए, उत्तर प्रदेश तो हमसे आगे बढ़ गया, नो डाउट, मैं इसकी चिंता करते रहता हूं। 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, उसमें से मात्र मेरी हिस्सेदारी जो बिहार के लोगों का वो मात्र 32,000 करोड़। 2,29,000 करोड़ रुपया आप ही की सरकार से, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार से हमको बिहार को मिलता है और उसी पर बिहार चलता है साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 42,00,000 करोड़ रुपया खर्चा हो, 14 गुना अधिक, हम बार बार कहते हैं कि गोतिया के घर में यदि घर अधिक बन जाए तो थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन हम स्पष्ट है, बिहार भी उन्नति की ओर जाएगा, समृद्धि की ओर जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और वहां से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 450 वर्षों तक इंतजार कर रहे थे टेंट में प्रभु श्री राम, उनको भी भव्य मंदिर में ले जाने का काम किया, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, स्पष्ट है अब हमारा मौका है। उत्तर प्रदेश बढ़ गया, राम मंदिर बन गए, अब बिहार बनाना है और मैया भव्य सीता मैया का मंदिर आपके सीतामढ़ी में बनाना है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा फर्जी डिग्री वाले को दे दिया, फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आजादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान, कह दिया कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जेपी नड्डा आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप यह जुबान खोलिए कि आखिर क्या कारण है कि 1947 को आजादी का जो आंदोलन का जो परिणति हुआ था उसको नहीं माना जाएगा, ये तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो?
देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष यहां कहता है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में कहता है कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। राजनीति में ऐसे ज्ञान देने वाले को डूब मरना चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज के अंदर जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे ऐसे लोगों को राजनैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।